इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकुदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कार्यपुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी चैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100452, IFSC ICIC 000049, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। जयंती परिवार अलवर राजस्थान। ध्यान रखना, चलिएगा। ओम नमो ते सर्वचंग पटसा, ओम राम रीम रूप राम राजसा, सर्वदा शांतिम गुरु गुरु सा, ओम रीम नमो ते भगवते तीर्थंकर परचकल वर चंदन करोमि एतत् समृद्धि नस्तु। ओम रीम श्री मरियम नमासा। महिलाएं हो चाहे पुरुष, दाहिने हाथ में लपेटे और नहीं बनता तो इंद्राणी इंद्र को बांध सकती है और इंद्र इंद्राणी को बांध सकती है, क्योंकि ये रक्षा बंधन पर नहीं, ये रक्षा सूत्र है। इंद्र कहता है मेरी इंद्राणी की रक्षा हो और इंद्राणी कहती है मेरे इंद्र की रक्षा हो। इस भावना से हम धागे को बांध सकते हैं। अब इसके बाद आइए यज्ञोपवीत जनेऊ। आपके पास रखा होगा जनेऊ को, गठान को पकड़ के खोलना है। नहीं आया जनेऊ? बोली निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महाराज की, सुधास सागर जी महाराज की, सुधास सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की, चतुर्विधि संघ की। पुजारी हो जनेऊ नहीं रखा क्या इधर टेबलों पर? रखे हैं, देखो हमारे पुजारी कह रहे सब जगह रखा है। देखो भाई टेबल में थाली के नीचे आ होगा, नहीं है तो एक काम करो, खत्म हो गए होंगे, कम पड़ गए होंगे, आप अपने हाथों के ऐसे पकड़ो, एक बार स्थापना निक्षेप से धारण करेंगे। बोलो ओ नमः परम शांताय शांति कराय पवित्री करणायाम रत्नतः स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु हरिम नमः स्वाहा। कल हम आपको उपलब्ध करा देंगे, दोबारा मन बोल देंगे, जनेऊ को धारण कर लो। अब इसके बाद आते हैं, देखो हाथ में कलावा गले में जनेऊ। आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है, दोनों हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलो, हे प्रभु हम सभी लोग आज से, आज से ये नहीं बोलेंगे फिर, सप्त व्यसनों का त्याग करते हैं। सात व्यसन जानते हो नहीं? कौन कौन से होते हैं? जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, शराब पीना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री गमन और वेश्या गमन। इसके बाद अष्टमूल गुणों को धारण करते बोलो, हे भगवान हम सभी लोग अष्टमूल गुणों को धारण करते हैं। हे भगवान हम सभी लोग अभक्ष वस्तुओं का, चाइनीज फूड आदि का त्याग करते हैं। हे भगवान, जोर से बोलो महाराज जी आवाज सुनना, हे भगवान हम सभी लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान मसाला पान पराग माणिक चंद तुलसी राजरी गोवा इत्यादि गुटकों का, चमचों का त्याग करते हैं। चम्मच जानते हो ना, एक बार खिलाता और जीवन भर आपसे खाता है। फिर आज से हे भगवान हम सभी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे विधान पर्यंत। इसके बाद जीवन में अष्टमी चतुर्दशी आदि में संयम से रहेंगे, पर्वों में संयम से रहेंगे। फिर भूमि सहन करना नहीं कर पाओगे, लेकिन जिन गद्दों पर आज तक सोते हुए आए उन गद्दों पर आज के बाद 13 तारीख तक नहीं सोना है। फिर भैया जी क्या करेंगे? अरे जिन गद्दों पर भोग विलासता का जीवन जिया है, कम से कम 10 दिन 8 दिन करके तो देखो हमारे संत कैसे सोते हैं, हमें भी अनुभव होना चाहिए। अभी सर्दी नहीं है, ऐसी गर्मी नहीं है, चटाई बिछाओ, दरी बिछाओ और सो जाओ। जिनको कमर की प्रॉब्लम है, एक दो दर्जन बेडशीट बिछा के सो जाना, लेकिन गद्दों का त्याग कर देना। भूमि सहन एकासन करना, एक टाइम की भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है, और उसमें भी थाली लेके घूम घूम के नहीं खाना, बैठ के खाना है।
और जिनको शाम को जल लेना है अपने घर पर जल लेंगे। सर्वोत्तम है कि 10 दिन उपवास करके विधान करें। नहीं बनता 10 दिन में एक बार भोजन करके विधान करें। नहीं बनता तो प्रत्येक दिन भोजन करें, शाम को अपने घर पर पानी पिए। पानी से काम नहीं चलता तो घर पर काजू किशमिश खाएं। काजू किशमिश से काम नहीं चलता फल फ्रूट घर पे खाएं। लेकिन दूसरे टाइम की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, आपको अपने घर पर जलपान आदि करना है। मैं 2 मिनट बंद कर रहा हूँ। शुद्ध भोजन करेंगे यहाँ जो है, और इसके बाद हिंसाजन तरीके से बनी हुई वस्तुओं नेल पॉलिश क्रीम पाउडर आदि का त्याग, 9 बार नमोकारमन। इसके बाद हम महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे, वहीं बैठ जाएंगे, शेष क्रिया हम आगे बाद में करेंगे। विधान की स्थापना पर एक तुम्हें ऐसी महाशक्ति का दर्शन करा रहा हूँ जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि आज के युग में भी ऐसा है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो हमारे विद्यासागर महाराज के गुरु थे, उनकी सबसे प्राचीन शिष्या आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु, उनकी सबसे प्राचीन पुरानी शिष्या, यहाँ देखो ये कंचन भाई हैं, यशोमती इनका नाम रखा गया। और ये आप सोचें 106 वर्ष की हैं। इनकी संलेखना समाधि चल रही है और इतनी जागरूक हैं 106 वर्ष में। अभी लगभग 15 से 20 दिन हो गए, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अन्न का त्याग कर दिया 20 से 25 दिन, 1 महीना 3 दिन हो गए अन्न का कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और इनकी चेतना देखो, आप लोगों को भी इतनी बड़ी चेतना नहीं है अभी जितनी इनकी चेतना। मैं प्रतिदिन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और ऐसी महान आत्माओं का दर्शन करना सम्यक शिखर जी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आचार्य महाराज समांति सागर महाराज कहते थे कि समाधिस्थ व्यक्ति का संयोग मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। और सौभाग्य देखो, आज इसी तुम्हारे सबसे पहले आश्रम की स्थापना हुई थी यहाँ पर सागर में, उसकी मूल संस्थापक थी। और भाग्य देखो, सागर में ही जन्म लेने वाली आपकी आरिका, जो सागर में ही जन्म हुआ, ऐसे उपशांत मती पूरा संघ 10 वर्ष से सेवा कर रहा है। बहुत बड़ा, ऐसी आत्माओं की सेवा करना मिलना, शुभचंद आचार्य ने ज्ञानार्णों में बहुत बड़ी महिमा गाई। और ऐसे की सेवा 10 वर्ष हो गए सेवा करते हुए, अब इस समय संलेखना में 10 प्रतिमाएं इन्होंने हैं, यशोमती इनका नाम रखा है। और ये सागर को बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं तो कहता हूँ कि अभी तक तो अपन सोच रहे थे कि ये चतुर्मास पता नहीं क्यों हुआ यहाँ, कैसे हुआ यहाँ। अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों के कारण से ये चतुर्मास हुआ। इनकी संलेखना का रूप बनना हो तो ये, और ऐसी सेवा पुण्यात्मा देखो, आरिका महा उपशांतमती आदि ये चारों आरिकाएँ 24 घंटे इनकी सेवा कर रहे हैं। माँ जी के भाग देखो, आरिकाओं के सानिध्य में अंतिम समय गुजारने को मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य है। अपन सब इनको देख करके इनसे शिक्षा लें, हे भगवान मृत्यु के समय हमारे भी ऐसे ही जागरूक परिणाम बने रहे। अभी भी ये हर चीज़ को जानती हैं, समझती हैं, कमजोरी के कारण ज़्यादा बोल नहीं पाते। आज समूषण का पहला दिन था, हमने कहा आज इनको दर्शन करा दें। हालांकि इनको अब दर्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ये विदेश क्षेत्र में जाके साक्षात समूषण की चर्चा, लेकिन अपन कम से कम कह तो सकेंगे वहाँ जाकर कि ऐसे ही समूषण की रचना सागर में मैं देख के आया हूँ। तो कम से कम अपना समाचार
विधेय क्षेत्र में पहुंचा देंगे कि यहाँ तो साक्षात लगा लेकिन वहाँ ऐसे 24 समूषण लगे हुए हैं, तो ये साक्षात मन के इसका दर्शन करने देख लें तो सीमंदर स्वामी को भी अपना समाचार पहुंच जाएगा। देखिए कंचन महाजी 106 साल की हैं, इनका जन्म अजमेर में हुआ है और शुरू से लेकर आज तक मैंने देखा है, हम जब बहुत छोटे छोटे थे हम बिहार करते थे, माताजी गुरुमती माताजी 11 माताजी का संघ था, ये माताजी स्वयं हलवा तैयार करके देती थी और एक नहीं दो टिप्पणी देती थी, ये तो ए छोरा ये माताजी को खिलाना और ये तू खाना, इतनी उदारता के साथ बना के देती थी और इतना घी डालती थी कि जिसका कोई तरो ताजा किसी से मांगना नहीं। और इतनी सारी आरिकाओं में पहला आरिका संघ है सागर वालों, ऐसे आरिका संघ पर सागर वाले गर्व करो, हमारे सागर में जन्म लेने वाली बिटिया को आरिका बन करके ऐसी आरिका ऐसी माताजी का ऐसी माँ जी की सेवा करने का मौका मिला। और हम लोग जितने भी हैं मैं आचार्य श्री के सब इनके सामने ही बने हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज इनके सामने ब्रह्मचारी रहे हैं और ब्रह्मचारी बनकर के उनको भोजन आहार आदि कराती थी, क्योंकि ये तो ज्ञान सागर महाराज के संग की हैं, ज्ञान सागर महाराज से इनने व्रत लिया, ज्ञान सागर महाराज ही इनके सही गुरु हैं, अपने बड़े ज्ञान साहु के। और विद्यासागर महाराज तो इनके सामने ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी अवस्था में इनको, और तो जब आचार्य श्री हमारे इनके ब्रह्मचारी थे इनकी गोदी में खेले हैं मानो जैसा, तो पर हमारा जितना संघ 350 का है उन सबकी ये माजी रही है। हाँ हम लोग तो जब संघ में आए तब तो बहुत छोटे छोटे थे, यानी हाँ, और तो और आचार्य ज्ञान सागर महाराज को भी ब्रह्मचारी अवस्था में देखा है, जब ब्रह्मचारी अवस्था में वो वीर सागर महाराज के संग में शिव सागर महाराज के संग में थे तब, क्योंकि उस समय बहुत पुराने लोग हैं, 106 वर्ष की उम्र पाना इस कलयुग में बहुत बड़ी दीर्घायु को पाया। सब लोग अनुमोदना करें कि इनकी बहुत अच्छी संलेखना हो समाधि हो, और सबसे बड़ी मैं भावना भाऊंगा इन आरिका संघों के लिए, मैं बहुत बहुत जो चारों आरिकाओं को आशीर्वाद देता हूँ कि इनको ये जो सौभाग्य मिला है यह सौभाग्य इनका सफल हो और एक दिन ये भी ऐसी ही दीर्घायु पाकर और समाधि को प्राप्त करके और सब लोग स्त्री पर्याय को छोड़कर और पुरुष पर्याय में आकर के मुनि बने। मैं तो प्रतिदिन इनको देखता हूँ और इन्होंने इतने शादियों की सेवा की, अब अंगली पर्याय में ये स्त्री पर्याय में नहीं रहेगी, अब तो ये पुरुष बनकर मुनि बनकर के विदेह क्षेत्र में विचरण करें, भले स्वर्ग बीच में जाना पड़े चले जाएंगे लेकिन अंत यह है बहुत अच्छा, सब लोग अनुमोदना करें। चलिएगा बहुत अच्छी बात है, कम से कम अनुमोदना करें, इनको इसलिए दर्शन आपको कराएंगे इनको देख करके हमारे मन में भी, अभी नहीं अभी सकलीकरण चल रहा है, परम पूज महाराज के चरणों में चल रहे हैं, पहले महाराज की मंगल देशना का लाभ ले लें, फिर बाद में जो हमारा क्रम चल रहा है सकलीकरण आदि का पाद शुद्धि का वो क्रम चालू रहेगा और इसके बाद पूजन का क्रम प्रारंभ होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही हमें यहाँ पर देखो, मैंने पहले दिन भी कहा था
कि 16 के बस्त्रों में धोते पट्टे में इंद्राणी को बिठा के नहीं लाना है, अपन को पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहन करके इंद्राणी को लाना और यहाँ पर बदलना है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनसे चर्चा बाद में करूंगा। मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से बारंबार नमो नमो उससे करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी अभी हमारा सकलीकरण पात्र शुद्धि की क्रिया चल रही है, आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम लोग इस अनुष्ठान को आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न कर सके, ऐसी पान पूज महाभावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दो दिन बटो वाले पर भगवान के दर्शन कर ऊपर ले जाए, भगवान को नीचे ले जाए। नहीं, भगवान के दर्शन ऊपर ले जाए कि भगवान दर्शन करें। समव शरण की पूजा करने प्रभु चरणों में आया हूँ, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर प्रभु चरणों को पाया हूँ, ऐसे प्रभु को पाऊंगा समव शरण में जाऊंगा, प्रभु के चरणों जाकर के मैं मन वांछित फल पाऊंगा। ओ साक्षात समर्षण में जो राजमान जिनेन्द्र भगवान के चरणों में हम सबका त्यन भक्ति भाव से बार मना उसका जल फलादी महारिगम निर्वपामिति। नीचे आ जा फटाफट, कटनी पे चढ़ रहा है भाई, नीचे आ, नीचे। सुनाई नहीं दे रहा, नीचे से बनाओ जिसको बनाना। भेजो उसके पास।
चलो सब लोग नीचे क्लॉकवाइज निकलो, क्लॉकवाइज उल्टे नहीं आओ। चलिएगा सब लोग बैठ जाएंगे शांति से। ये पीछे का गेट परमानेंट बंद करो, ये व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। सबको सामने से भेजो मां। आइएगा हम सभी लोग दोनों हाथों को जोड़े परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु के साथ प्रार्थना करते हुए निवेदन करेंगे। महाराज जी हम सभी को ऐसा मंगल आशीर्वाद दें कि आने वाले दिनों में 13 तारीख तक हम प्रभु की आराधना इसी भक्ति भाव के साथ आपके चरणों का सानिध्य पा करके प्राप्त कर सके, ऐसी पांडवी भावना के साथ नमोस्तु। जिनेन भैया आइएगा दोनों हाथों को जोड़ के नमोस्तु के साथ प्रार्थना पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु के साथ निवेदन। महाराज जी हम सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान करें ऐसी पार्थ भावना के साथ। चुपचाप से ले जाना, शोर नहीं करते, आराम से निकाल ले जाओ। नहीं नहीं बीच में से जाने दो, सब देख लेंगे, आगे से हट जाना, एक जन चलाना व्हील चेयर को बस, तो सब लोग देख लेंगे रस्ते में से जब माँ जी निकलेंगी तो। बाकी सब लोग छोड़ दो, साइड में जरूरत नहीं, एक व्हील चेयर से सिंगल व्यक्ति से काम हो जाएगा। एक व्यक्ति ले जाओ। जय श्री ओम नमः शिवाय, जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्ठ भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आप लोग खड़े नहीं हो, खड़े होगे तो पीछे वालों को नहीं देखेंगी माँ जी, बैठे बैठे दूर से दर्शन करो। कोई भी वस्तु हो उसके वस्तुत्व गुण का एक गुण होता है जिसके कारण से वस्तु की आर्थिक क्रिया निश्चित की जाती है। आर्थिक क्रिया का अर्थ है प्रत्येक वस्तु अपना कोई ना कोई आर्थिक क्रिया लेके उत्पन्न होती है, निष्प्रयोजन नहीं, मूल कार्य होता है, उत्तर कार्य तो गौण होते हैं। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसकी कोई आर्थिक क्रिया ना हो, यानी संसार में जो कुछ भी है वह सब प्रयोजन भूत है। द्रव्य ही नहीं, प्रत्येक गुण की भी आर्थिक क्रिया होती है। गुण की ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य पर्याय की आर्थिक क्रिया होती है। जैसे आंख की मुख्य अर्थ क्रिया क्या है? देखना। कान की मुख्य अर्थ क्रिया क्या है? सुनना। रसना की अर्थ क्रिया क्या है? चखना। नासिका की अर्थ क्रिया क्या है? सूंघना। ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है? जानना।
जीव की अर्थ क्रिया क्या है? जानना, देखना। पुद्गल की अर्थ क्रिया क्या है? पूरन, गलन। धर्म द्रव्य की अर्थ क्रिया क्या है? चलने में सहायक। अधर्म द्रव्य की अर्थ क्रिया क्या है? रोकने वाले को सहायक। काल द्रव्य की अर्थ क्रिया क्या है? वर्तना। आकाश द्रव्य की मुख्य अर्थ क्रिया क्या है? अवगाहना। सभी द्रव्य में अवगाहना है, अवगाहना तो होता है, लेकिन आकाश द्रव्य की मुख्य अर्थ क्रिया, मुख्य क्रिया का अर्थ ये किस लिए है दुनिया में? तो इस सब व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं कि ये संसार भी एक पिंड है, इसकी अर्थ क्रिया क्या है? इसकी अर्थ क्रिया है पाप रूप, पापियों को शरण देना, पापियों को बढ़ावा देना, कसाई की खेती करना, मिथ्यात की खेती करना, जितनी दुनिया की गंदगियां हैं उन गंदे लोगों को शरण देना, ये संसार की अर्थ क्रिया है। संसार की अर्थ क्रिया, संसार का स्वभाव। इसलिए जगत के स्वभाव को देख के वैराग्य क्यों होता है? यदि इसकी अर्थ क्रिया अच्छी होती तो संसार को देखकर अच्छे लोगों को संसार में रहने का भाव आता, संसार से आकर्षित होते। लेकिन जितने अच्छे लोग हैं वे संसार को देखकर विरक्त हो जाते हैं, संसार को देखकर वैराग्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आज तक संसार को अच्छा नहीं कहता, कोई भी संसार में रहना नहीं चाहता अच्छे लोगों से। किसी वस्तु का निर्णय ये अच्छी है या बुरी है, एक हमारे यहाँ जनपद शब्द आता है, आत्मानुशासन, उज्ज्वल गुण भद्राचार्य महाराज। जनपद शब्द का अर्थ होता है कि वहां के जो सज्जन पुरुष हैं उस वस्तु के संबंध में क्या निर्णय करते हैं। जैसे अपन कोई नए प्रदेश में गए, वहां कोई अनजानी वस्तु मिली, हमने कभी देखी नहीं थी, अब ये वस्तु खाने योग्य है या नहीं हम तो जानते नहीं, अनजान है। पर उन्होंने कहा कि वहां के जो सज्जन लोग हैं, वृद्धि लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनसे पूछो कि आप लोग इस वस्तु को भक्ष मानते हैं या अभक्ष है? तो वहां के वृद्धि लोग यदि कहें कि नहीं हमारे देश में ये भक्ष है, हम सब लोग लेते हैं, तो मुनिराज को उस समय वो वस्तु ले लेंगे, क्योंकि गवाह कौन मिल गया? वृद्धि। इसे जनपद सत्य बोलते, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई नई चीज नहीं होती है देश में। वहां के सज्जन लोगों का परिचय कराना ही जनपद सत्य कहलाता। इसी प्रकार संसार में जो अच्छे लोग हैं उनसे पूछो ये संसार कैसे है। मुझे तो एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला जिसने संसार को अच्छा कहा हो, सर्वज्ञ भगवान ने भी अच्छा नहीं कहा। इस संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं, या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे घोष विषादन करते, संयम सो अनुरागे। स्पष्ट बता रहा है सबसे अच्छे तीर्थंकर होते हैं, उनके जीवन में तो कोई दुख भी नहीं है, फिर भी क्यों संसार छोड़ा? क्योंकि वे समझ गए संसार अच्छे लोगों के लिए नहीं बनाया गया, यहां अच्छे लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी चुनने वाला नहीं तुम्हारे। यदि तुम गंदे लोग हो
पापी लोग हो, कसाई हो, तो यहाँ आपकी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल परसों हमने व्यवस्था को डिटेल में समझाया था। तीन लोक में एक स्थान नहीं दिया अच्छे लोगों को, एक इंच भर स्थान नहीं दिया। ये संसार दुर्योधनों जैसों का राज्य है, यहां पांडवों को कोई स्थान नहीं है। दुर्योधन ने क्या कह दिया मधुसूदन से कि इनको 5 गांव दे दो, हम उसमें इनको समझा देंगे। तो दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं तो सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। ये संसार के राज्य भी यही कर रहा है। अरे भाई, अच्छे लोगों को कोई एकाध स्थान, एकाध प्लाट, एकाध क्षेत्र दे दो। संसार की नीति कहती है तुम प्लाट की बात कर रहे हो, तुम क्षेत्र की बात कर रहे हो, मैं अच्छे लोगों को एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं देंगे, सुई की नोक के बराबर स्थान नहीं देंगे। सारा तीन लोग ठसा ठस पापियों से भरा है, ठसा ठस। द्रव संग्रहकार ब्रह्मदेव सूर्य, ये 5 स्थावरों से उन्होंने लिखा, 5 स्थावरों से ये पूरा तीन लोग ठसा ठस भरा है। एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान खाली नहीं है पापियों से, तीन लोग के एक भी नहीं, एक सुई की नोक के बराबर भी अच्छे लोगों को स्थान नहीं। यहां कोई उनकी अच्छे लोगों की कोई व्यवस्था नहीं। मैंने पृथ्वियों का बताया था परसों, अपन को रहने की व्यवस्था नहीं, नारकियों की छत पर रह रहे हैं। किसी दिन नारकियों ने क्लेम कर दिया तो हमारी छत खाली करो, तो तुम मनुष्यों को कहीं ठाइया नहीं है, कहीं ठाइया नहीं। ये जमीन तो, ये तो छत नारकियों की छत है। रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी है, रत्नप्रभा की और रत्नप्रभा किसमें आती है, नरकों की पृथ्वियों में आता है। रत्नप्रभा सरकरा भाडुका आदि आते ना, तो ये रत्नप्रभा नरकों की पृथ्वी, अपन को छत मिली है, वो भी अपन 2 नंबर में रह रहे हैं। उनको जिस दिन का कानूनन प्रक्रिया आ जाएगी तुम्हें छत से नीचे गिराएंगे, तुम गिरोगे कहाँ, ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है, जाओगे कहाँ बेटा, कोई स्थान, कोई काल नहीं दिया है ऐसा, कोई काल नहीं है। जिस काल में अपन कभी, चलो ये काल तो है, इस काल में तो कोई संसार में पाप नहीं करेगा, इतने बज के, इतने मिनट, इतने सेकंड पर जिनको जो पुण्य करना है करो, कोई पाप नहीं करेगा, नहीं। पापियों के लिए 24 घंटे ऐसे समय हैं जहां पाप ही पाप होता है, 24 घंटे छठवा काल आएगा, नरक से जीव निकलेंगे और नरक से ही जीव, नरक से ही आएंगे जीव, पाप ही आएंगे, वो पाप करेंगे और पाप का फल नरक में जाके, नरक से निकलेंगे नरक ही जाएंगे। 21,000 वर्ष, और धर्मात्मा को धर्म करने के लिए 6 कालों में एक भी काल नहीं है जिसमें मां धर्मात्मा ही धर्मात्मा हो। कोई असंयम नहीं होगा, संयम ही संयम होगा, संयम का कोई काल नहीं। इस काल में सारे लोग संयमी होंगे, असंयमी कोई नहीं होगा, सारे लोग मिथ्या से रहित होंगे, सब सम्यक दृष्टि होंगे, ऐसा कोई मध्य लोक में कोई स्थान नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में थोड़ा बहुत सम्यक दिया तो वहां दूसरा पाप स्थापित कर दिया, असंयम। यानी धर्मात्मा और धर्म को कहीं स्वतंत्र स्थान नहीं दिया, सम्यक का स्थान 1-2 स्थान दिए थे, पंचनोत्तर अनुदिश लोकांतिक लोग, उन्होंने एक ऐसा संसार ने कहा तुम्हें मैं साता से नहीं रहने दूंगा, उनके साथ असंयम पाप रख दिया,
जहां सम्यक को स्थान मिला वहां असयम ने साम्राज्य जमा लिया। असयम रूपी पाप उनके जीवन से कभी छूट नहीं सकता। कोई भाव नहीं दिया जिस भाव में कोई पाप नहीं कर सके, कोई कसाय नहीं कर सके। हर भाव पाप के लिए है, हर भाव में पाप करो, कोई ना कोई पाप होता रहता है। लेकिन कोई भाव ऐसा नहीं जिसमें कोई पाप ही नहीं करना पड़े। और परसों हमने कहा था गजब तो जब है, ये तो परकृत है, ये तो संसार कृत है, ये तो परद्रव्य की माया है। संसार अवस्था में अपना परिणाम तो अपना सगा है ना, वो तो अपना है। दसवें गुणस्थान तक ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिस परिणाम में पाप का बंद ना होता हो। आत्मा रूही कांप जाती है, रूही कांप जाती है। जो हमारे हाथ में है वो भी पापी है। हमारे हाथ में अपने परिणाम हैं, लेकिन हम ऐसा कोई परिणाम नहीं कर सकते जिस परिणाम में पाप का बंद ना होता हो गई होगा। पूजा कर लो, पाठ कर लो, मुनि बन जाओ, कोई भी माला फेरो, जाप करो, सामय करो, कुछ भी करो, कहीं ना कहीं से पाप हो गई। ये भाव ही ऐसे भाव है, कोई ना कोई पाप हो ही जाएगा। श्वास लेंगे असंख्यात जीव मरेंगे, चलेंगे असंख्यात जीव मरेंगे, खाएंगे असंख्यात जीव मरेंगे, पिएंगे असंख्यात जीव मरेंगे। हो ही नहीं सकता कि बिना पाप के व्यक्ति जी सके। एक भाव नहीं, एक परिणाम नहीं। चार घातिया नाम का पाप कर्म तो दसवें गुणस्थान तक मुनिराज को, श्रेणी में चढ़े हुए मुनिराज को छायक सम्यक दृष्टि भी पाप कर्म बांध रहा है, यानी वो भी पाप कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें इस संसार में, अब क्या करें जो हमारे लिए है ही नहीं। संसार में रहना है तो बुरे आदमी बनो, गंदे आदमी करो, खूब जम के जितना पाप, जितना बड़ी जगह चाहिए उतना बड़ा पाप करो, उतना बड़ी जगह मिलेगी। जो जितना बड़ा पापी होगा संसार में वही सबसे बड़ा जमींदार होगा। निगोदिया बनोगे पूरा तीन लोग, दो इंद्री बनोगे पूरी तृष्णाली, पंचेंद्री बनोगे तो भी तृष्णाली। जो तुम्हें बनना है बस तुम पाप करना चाहिए, कसाय करना चाहिए। संसार में तुम्हें सब सुविधाएं मिलती जाएंगी, लेकिन हम चाहें कि हम कसाय से ऊपर उठ जाए तो संसार के एजेंडे में तो नहीं है। संसार के एजेंडे में तुम्हें कोई स्थान नहीं, कुछ नहीं। अब यहां से शुरू होता है ये जो चिंतन है, ये जो विचार है, यह है क्षयोपशम लब्धि, संसार भावना। कैसा है संसार? द्रव संसार, भाव संसार, कर्म संसार, नौ कर्म संसार, पंच परावर्तन रूप है संसार। और पंच परावर्तन जब व्यक्ति को संसार में, जो मैंने अभी बताया, ऐसी अनुभूति हो जाए कि यहाँ कोई द्रव्य नहीं है शुद्ध, यहाँ कोई क्षेत्र नहीं है शुद्ध, यहाँ कोई काल नहीं है शुद्ध, यहाँ कोई भाव नहीं है शुद्ध, यहाँ कोई भाव नहीं है शुद्ध, ऐसी जो तीव्र अंदर से हूक उठती है उसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। उस समय व्यक्ति कहता है क्या करूं, फिर अंदर से उसके परिणाम जागता है। तो क्या संसार में रहने के लिए हम गंदे हो जाएं? दोस्त बढ़ाना है तो गंदे हो जाएं? चोर चोर मौसेरे भाई,
संसार कहता है गंदे हो जाओ, कसाय करो, तुम सदा रहोगे, फलते फूलते रहोगे संसार में। लेकिन सम्यक दृष्टि की आत्मा कहती है नहीं, मैं ऐसे संसार में तो नहीं रहूंगा। तो रहोगे कहां? मैं अशुद्ध जीवन को व्यतीत नहीं करूंगा। रहोगे कहां? कौन से भाव में रहोगे? सारे भाव अशुद्ध हैं। कौन से स्थान पर रहोगे? बस यहां जो अब जो परिणाम बनता है, विशुद्धि लब्धि को थोड़ा सा संकेत में दे देता। अब जो उसके मन में संकल्प आता है, नहीं मैं इस गंदे स्थान पे तो नहीं रहूंगा, मैं गंदे लोगों के बीच में तो नहीं रहूंगा, मैं गंदा क्षेत्र, गंदा काल, गंदा भाव नहीं चाहिए, तो मिलेगा कहां से? है ही नहीं। मैं अशुद्ध कपड़े नहीं पहनूंगा, शुद्ध कपड़े है ही नहीं। मैं गंदे स्थान पर नहीं बैठूंगा, अच्छा शुद्ध स्थान है ही नहीं। मैं गंदी चीज नहीं देखूंगा, अच्छी चीज आंखों से दिखती नहीं, अच्छी चीज आंखों को दिखती नहीं, गंदी चीज गाना है ही नहीं संसार में। अब यहां से वास्तु का सिद्धांत चालू होता है। जब रामचंद्र जी को जैन दर्शन के अनुसार कैकेयी ने भरत को राज्य मांगा, प्रस्ताव रखा गया कि कैकेयी ये प्रस्ताव रख दो। दशरथ ने खुद प्रस्ताव रखा था कैकेयी के सामने, कैकेयी यदि तुम्हें अपने बेटे को राजा बनाना ही है तो ऐसा करो, हम राज्य की बंटवारे कर देते हैं, अंत में जब बेटों में झगड़ा राग द्वेष होने लग जाए तो माता पिता क्या करते हैं? बंटवारा। जैसे ऋषभदेव ने बंटवारा कर दिया, भरत को अयोध्या का, बाहुबली को यहाँ का, सबको अलग अलग दे दिया। ऐसे ही दशरथ ने कहा कि अंत में जब बहुत किया कि देखो ऐसा करो बंटवारा किए देता हूँ, एक राज्य का हिस्से का भरत राजा रहेगा, एक का राम, एक का लक्ष्मण, एक का शत्रुघ्न। कैकेयी कहती है श्री के नौक का भी बंटवारा नहीं होगा। तो ही बात ही राव दशरथ ने बहुत समझाया, छोटा सा स्थान दे दो उनको, तुम बड़ा अयोध्या का, मेरी राजगद्दी तुम ले लो, लेकिन कोई तो टुकड़ा दे दो इनको। कैकेयी ने कहा श्री की नौक का बंटवारा नहीं होगा, हमारा बेटा अखंड राज्य का अधिकारी होगा, अखंड राज्य का, कोई समझौता नहीं। जब रामचंद्र जी को ये पता चला कि पिताजी के राज्य में मुझे एक सुई की नोक का भी स्थान नहीं है, अब क्या करें? राजा में राजत्व गुण तो था, अब रामचंद्र जी क्या करें? हाथ पे हाथ रखे बैठ जाए, क्या करें? रामचंद्र ने श्वेता निर्णय लिया, यहां राज्य में यहां रहने की अपेक्षा मैं अयोध्या का राज्य जहां है उस राज्य के बाहर जाकर अपने राज्य की स्थापना करूंगा। अयोध्या का राज्य है ना, पिताश्री का जो राज्य है वही राज्य में से मुझे सुई की नोक नहीं मिलेगी ना। अयोध्या का जहां राज है उसी सीमा में मुझे नहीं रहना है ना, उसी सीमा के हमारा सारा अधिकार छीना जा रहा है। तो रामचंद्र जी ने घोषणा की, माता कौशल्या को समझाते, बेटा कहां जाएगा? कैकेयी ने तो प्रस्ताव रखा है कि एक सुई की नोक के बराबर भी हम इस राज को खंडित नहीं होने देंगे। तब रामचंद्र जी कहते मां विश्वास करो, मैं अयोग्य नहीं हूं, मैं अयोध्या की सीमा के बाहर जाकर एक नए राज्य की स्थापना करूंगा। कहां से स्थापना करेगा? वहां कोई दूसरा राजा होगा,
जब तेरे बाप का राज्य तुझे नहीं मिल रहा है तो दूसरे का राज्य तो तुझे मिलने का सवाल ही नहीं। कौन देगा तुझे? जहां जाएगा वहां कोई ना कोई राजा बैठा है। तब रामचंद्र जी कहते हैं, माँ आप भूल रही हो, आपको अपने दूध पर विश्वास नहीं है। अपने दूध पर विश्वास करो। अभी दुनिया में कोई ना कोई स्थान तो ऐसा है जो रामचंद्र जी के लिए खाली है। मिलेगा कोई ना कोई स्थान। जैसे पांडवों को खांडप्रस्थ मिला, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। हम जहां जाएंगे वहां राज्य होगा। यदि मेरी किस्मत में रकील है, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। और निकल गए। अब संसार में कोई स्थान खाली नहीं है रामचंद्र जी के लिए। कोई स्थान खाली नहीं है। और रामचंद्र जी कहते हैं, मैं राजा बन के रहूंगा और मैं राजा बनूंगा, मां तुझे राजमाता बनाऊंगा। तो प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग है पढ़ने लायक। मैं दक्षिण भारत में जाता हूं, वहां अयोध्या का राज नहीं था। अयोध्या का राज उस समय उनके समय पर ज्यादा आगे नहीं था। ये जो कौशल देश है ना, कौशल देश इधर गुजरात का भी छोटा सा भाग था, जो जहाँ से लव कुश मोक्ष पधारे ना, पावागढ़, हाँ वो उसके पास का एरिया जो था, ये सब अयोध्या। उसके बाद जाकर के मैं राज्य की स्थापना करूँगा। अब कोई स्थान है नहीं खाली, फिर भी बुलंदी देखो, फिर भी विश्वास देखो, मिलेगा। जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। जिसने ये विचार दिया है वो कहीं ना कहीं स्थान सुरक्षित रखे। अयोध्या से निष्कासित होना ही बता रहा है, मुझे कोई ना कोई स्थान याद कर रहा है। मैं सदा कहता हूं, जब भी कोई मन में विचार आता है, मैं कई बार यूं बोल देता हूं, तो महाराज आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो संभव नहीं है। मैंने कहा भाई, मेरे मुंह से निकला है, नियम से संसार में कोई व्यक्ति जरूर पैदा हो गया है, अन्यथा निकलते ही नहीं। कोई जरूर है दुनिया में जो बुलवा रहा है, क्योंकि साधु बोल ही नहीं सकता। साधु के मुख से जो भी वचन मिलते हैं श्रोताओं के पुण्य से खिलते हैं, साधु के पुण्य से नहीं, साधु के पुण्य से नहीं, श्रोता के। भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि भय सुनी विभ्रम। भगी भागन बस, जब भी कोई बात निकलेगी कोई ना कोई पुण्यात्मा के कारण से निकलेगी और वो तद्रूप निकल जाएगी। कोई ना कोई पुण्यात्मा है, जरूर है, बिना इसके हो नहीं सकता। जब मेरे मन में अच्छा बनने का भाव आया है, जब मुझे अच्छे बनने के मन भाव आया है कि मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा देखूंगा, मैं अच्छा सुनूंगा, मैं अच्छा बोलूंगा, मैं अच्छे स्थान पर बैठूंगा, मैं अच्छा खाऊंगा, जरूर दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छा जरूर है। और इधर घोषणा क्या हो चुकी है, संसार में कोई भी स्थान अच्छे लोगों को है ही नहीं, बने ही नहीं है, अर्थ के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए बने ही नहीं है संसार। जो चीज बनाते समय ही तुम्हारा संकल्प नहीं है कि यहां अच्छे लोग भी रहेंगे, वहां तुम्हें क्या मिलेगा। बस यहां से शुरू होती है। ऐसा परिणाम यदि अपन को उठ जाए, नहीं मैं अच्छे स्थान पे ही रहूंगा, अच्छा बन के ही रहूंगा। जब अच्छा स्थान है ही नहीं, तब अंदर की आवाज जागती है, सावधान, बहुत बड़ा मोटिवेशन, पहले नियम पक्के करो। संसार में कोई भी स्थान अच्छे लोगों के लिए
कोई भी भाव अच्छे लोगों के लिए, कोई भी कार्य अच्छे लोगों के लिए, कोई भी काल अच्छे लोगों के लिए नहीं। पूरा स्पष्ट पक्का है, घोषणा है, सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अब अंदर से एक आवाज जागना है आत्म राम से। श्री राम तो उदाहरण दे रहा हूं, अपने आत्मा ही राम है। यदि अंदर आवाज निकले, लोग कहें कहां जाओगे, कोई अच्छा स्थान है ही नहीं, अंदर से आवाज निकले लेकिन मैं अच्छे स्थान पर ही रहूंगा, मैं अच्छा ही देखूंगा, मैं अच्छा ही सुनूंगा, मेरा संकल्प है। कहां से करोगे, है ही नहीं तो कहां से करोगे। फिर एक अंदर आवाज आती है, उपादान। आहा, क्या जागता है, कैसा होता है सम्यक दर्शन, कैसे होते हैं सम्यक दर्शन के परिणाम, कैसा होता है ये मोक्ष मार्ग। ये जो व्रत क्रियाएं वगैरह कर रहे हैं ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तो धर्म तक पहुंचाने के साधन है। धर्म तो महानुभाव, वो अंदर चेतना का पावर है, अंदर से प्रकट होता है। ये तो बाड़ी है, ये सुरक्षा कवच है। ये जो कुछ भी अपन व्रत पाल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब सुरक्षा कवच है उस संपत्ति के, जो कल मैंने कहा था अनर्घ है। जो अनमोल वस्तु हमारे अंदर है उसके लिए ये सब बाड़ी है, सुरक्षा कवच है। आनंद नहीं है ये तो, आनंद की सुरक्षा करने वाले। आनंद क्या प्रकट होता है, लो अंतरनाद। मानुआ समझना, कभी तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ हो या है तो अंदर का नाद आएगा, अंदर की आवाज आएगी, अंदर चेतना से आवाज आएगी। बाहर से क्या सुनने में आया, ये संसार में कोई भी स्थान अच्छा भाव काल नहीं है, और ये सर्वज्ञ का वचन है। संसार की अर्थ क्रिया है, प्रयोजन ही ऐसा है, उसके बाद अंदर से उठा कोई बात नहीं। संसार में अच्छे के लिए कोई स्थान नहीं है, सुई की नोक के बराबर नहीं है, तो अंदर से एक आवाज आएगी, अंदर से एक आवाज आएगी, कोई बात नहीं। संसार ने अच्छे लोगों के लिए स्थान नहीं दिया, जहां मैं बैठ जाऊंगा उस स्थान को अच्छा होना पड़ेगा। ले अंदर की आवाज, जहां मेरा प्रवेश हो जाएगा उस राज्य मेरा होगा। कहां जाएगा तू, बोले मां जिस तरफ आंख उठा लूंगा वही राज्य मेरा होगा, जिस तरफ उंगली उठा दूंगा वही भूमि मेरी होगी, जिस स्थान पर कदम रख दूंगा वही स्थान पवित्र होगा, जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। शमंत्रभद्र महाराज का खोज, कोई सम्यक दृष्टि पत्थर नहीं, वहां सब मिथ्यात की स्थापना है, सब मिथ्यात का वातावरण। राजा मिथ्यात थी, जिसको नमस्कार करना उसमें मिथ्यात की स्थापना। एक छोटा सा भी कोई सम्यक दर्शन का नाम लेने वाला नहीं, एक भी समीचीन वस्तु नहीं, सब मिथ्यात से भरी है। बोल, तू तो कह रहा था कि मैं सच्चे देव शायद गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता। नमस्कार नहीं करेगा तो गर्दन काट दी जाएगी, या तो गर्दन काट कटवा, या फिर तू सच्चे देव शायद गुरु को बुला, बोल यहां कहां। तो वहां तो एक छोटी सी चीज भी, कोई मुनिराज नहीं, वहां तो सम्यक दृष्टि श्रावक भी नहीं, जिनवाणी माँ का सवाल ही नहीं, पूरा राज महल किससे भरा था। तब समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, राजा ने कहा बोल यहाँ तेरे भगवान कहाँ है, तेरे गुरु कहाँ, तेरे साथ कहाँ है।
कहीं नहीं, एक भी नहीं, एक छोटा सा भी कण नहीं। फिर अंदर से क्षय विशुद्धि लब्धि जागती है समंतभद्र महाराज की। बोले कान खोल के सुन लो राजन, या तो सम्यक दृष्टि का मस्तक वहां झुकता है जहां सच्चा देव होता है, सच्चा गुरु होता है, सच्चा शास्त्र होता है, सच्चा स्थान होता है। सम्यक दृष्टि वहीं बैठता है जहां शुद्ध स्थान होता है। सम्यक दृष्टि उसी काल में धर्म करता है जो शुद्ध काल होता है। जब ये नहीं मिले तो अंत में एक आवाज लगाते हैं, अभी तक ये वहां झुका है जहां भगवान था, और आज वहां झुकाने की बात आ रही जो भगवान नहीं है। तो लो राजन, अभी तक मोटिवेशन बनाना, अभी तक ये मस्तक कहां झुका है जहां भगवान था, और आज भगवान यहां नहीं है तो जहां झुकेगा वहां भगवान होगा। रिपीट कर रहा हूं, अभी तक ये मस्तक कहां झुका था जहां भगवान था। भगवान को देख के अपन नमस्कार करते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई, यहां कहां है तेरा भगवान। तब समंतभद्र महाराज कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरबूजे पे तलवार करे या तलवार तरबूजे पे करे, क्या फर्क पड़ता, तलवार तो तलवार ही रहे। भगवान झुके तब झुकना, और झुक जाए से भगवान दिखना, सम्यक दृष्टि कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो तलवार को क्या फर्क पड़ेगा, तरबूजे पे तलवार गिरी और तलवार पर तरबूजा गिरा, तलवार का काम क्या है, सम्य दृष्टि क्या फर्क पड़ता है। भगवान से सो नमस्कार किया, आज नमस्कार करना है तो भगवान दिखेंगे, नहीं जहां नमोस्तु होगा वहां भगवान होगा। एक सुई के नोक के बराबर भी वहां देवत्व नहीं था, कहीं देवत्व नहीं था, निगम नशे भी नहीं, कोई संकल्प भी नहीं था, कोई स्थापना नहीं, नाम भी नहीं, नाम भी नहीं, स्थापना भी नहीं, द्रव्य भी नहीं, भाव भी नहीं, कुछ है ही नहीं वहां। समंतभद्र महाराज कहते हैं, लो मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, मैं जहां नमोस्तु करूंगा वहां भगवान प्रकट होंगे। आठवें भगवान पर नवसात भगवान तक नमस्कार नहीं किया पूज्यवर ने, आत्म भगवान में जैसे नमस्कार किया, वंदे विवंद्यम महताम सिंद्रम जिनम जितश्वांत, हे चंद्रपुर भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। सारी जनता देख रही है, समंतभद्र महाराज ने तो आंख उठाई, सामने चंद्रपुर भगवान विराजमान थे इस पटक के। ये संसार में बस ये अतिशय चाहिए, ये चमत्कार चाहिए, तुम्हें तो सच्चा देव मिलने वाला नहीं है, अब तुम्हारी ताकत चाहिए कि तुम नमस्कार को इतना अतिशयकारी बना लो कि उस मिथ्या में भी सच्चे देव का प्रकट बना हो। इस संसार में अपन को अब वो स्थान बनाना है जो अच्छा है, हमें बनाना होगा, हमें बनाना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा। एक भी काल पवित्र नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो काल मेरे बाद सदा पवित्र के नाम से जाना जाएगा। हमें बनाना है काल, काल कोई पवित्र नहीं है, ऐसा कोई बल हमें अपने लिए बनाना है, और जो भव्य जीव आएंगे उनको लिए भी छोड़ के जाना है। लो महावीर स्वामी ने अमावस्या को इतना पावन बना दिया, आज वो अमावस्या शुभ हो गई। अमावस्या शुभ थी या शुभ बनाई गई, कौन सी अमावस्या शुभ है, शुभ है ही नहीं अमावस्या, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अमावस्या को भी इतना शुभ बना दूंगा कि मेरा भी तो शुभ काम होगा और आगे आने वाले लोग इसे शुभ दिवाली के नाम से जानेंगे। यह है पुरुषार्थ, यह है ताकत इस संसार में जीने की। हमें क्षेत्र बनाना है पावन, हम बिना गंदे क्षेत्र में नहीं बैठेंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस क्षेत्र पर हम बैठ जाएंगे वही तीर्थ हो जाएगा। ऐसी ताकत अपने में आ जाए, गंदा स्थान है लेकिन जैसे मैं बैठूंगा तीर्थ हो जाएगा। हमें अपना भाव बनाना है। प्रकृति ने, संसार ने कोई भाव पावन नहीं दिया, सारे भाव पाप के लिए बनाए हैं, सारे भाव संसार के लिए बनाए हैं। सम्यक दृष्टि कहता है मैं अपने भाव को मैं बनाऊंगा पावन, मेरा पावन भाव बनेगा पावन। लो स्वभावता सुचौकाये रत्नत्रय बना लिया ना एक साधु ने। असुचि प्रकृति ने कहा था मैं हर आत्मा को ऐसा गंदा स्थान दूंगा, ऐसा गंदा स्थान दूंगा कि तू कितना भी उसको नहलाना, कितना भी शुद्ध करना, सागर के जल संसुच कीजे तो भी शुद्ध ना होई, को हो ही नहीं। लो सम्यक दृष्टि ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक औषधि है, स्वभावता सुचौकाये रत्नत्रय। अभी रत्नत्रय संसार का नहीं है, हमारे रत्नत्रय के कारण से इस शरीर का असुचिपना था वो पवित्रता में बदल गया। और जैसे रत्नत्रय आता है साधु का शरीर भी पावन माना जाता है, इतना पावन माना जाता है कि उसके चरणों पर गिरा हुआ जल गंदोदक बन जाता है। अब बोलो ये शरीर गंदा है कि नहीं है, लेकिन एक कला रत्नत्रय। इस संसार में बस हमें अपने आप का विल पावर जलाना, हम चाहेंगे तो काल को भी पवित्र करेंगे, हम चाहेंगे तो क्षेत्र को भी पवित्र करेंगे, हम चाहें तो भाव को पवित्र करेंगे, और हम चाहेंगे तो भाव को भी पवित्र करेंगे। एक दिन करेंगे, प्रयास करेंगे, एक दिन मेरा भाव पवित्र होगा, शुद्ध उपयोग प्राप्त करूंगा। भाव वास्तु में एक बहुत अच्छा सिद्धांत आया है, बहुत अच्छा सिद्धांत आया। उन्होंने कहा जिस मकान को तुमने लिया है उसकी अर्थ क्रिया है संसार, पर तुम चाहो तो एक कोने को पूजा का स्थान बना लो और प्रकृति को दिखा दो कि तूने जमीन बनाई थी संसार के लिए, मैंने मकान में एक टुकड़े पर बना दिया पूजा का स्थान और वो पवित्र स्थान बना दो। हम बना सकते हैं, घर में मंदिर हो सकता है, पूजा का स्थान हो सकता है, पवित्र स्थान हो सकता है, हमें बनाना है। प्रकृति तो बना के देने वाली है नहीं, अब ये सारे निर्णय हमें करना है। यही काल था, यही समय था, आप यदि पूजा नहीं कर रहे होते तो इसी समय लोग कितने पाप कर रहे होंगे, कितने राग द्वेष कर रहे होंगे, कोई गुटखा खा रहा होगा, कोई शराब पी रहा होगा, कोई पता नहीं क्या पाप कर रहा होगा। प्रकृति ने तो इसलिए संसार बनाया, और तुम पंडाल में बैठे हुए इसी समय में तुम विधान कर रहे हो, ये संसार नहीं तुम्हारा धर्म है। इसी संसार में से इसी 24 घंटों में 2-4 घंटे तुमने पवित्र बना दिए, इसी पूरे संसार में तुमने पंडाल को पवित्र बना दिया, एक छोटे से स्थान को पवित्र बना दिया, एक मंदिर बना करके। संसार ने नहीं बनाया था, मंदिर के लिए कोई जमीन नहीं बनाई थी, लेकिन भक्त ने कहा मैं जिस स्थान पर भगवान बैठा लूंगा वह भूमि भी वंदनीय हो जाएगी। सिद्ध क्षेत्र क्या है, क्या गजब की चीज भगवानों में। ये संसार सब पापियों के लिए बना था लेकिन भगवान ने जहां से निर्माण प्राप्त किया है वो निर्माण स्थान धर्मात्मा के लिए पावन हो गया, सिद्ध क्षेत्र बन गया। और उस सिद्धेश की स्थितियां सबके सामने, तो हमारे लिए इस पंचम काल में इस संसार में रह करके अपनी उपादान शक्ति ऐसी जाओ कि जो गंदी चीज मेरी जिंदगी में आवे मेरे छूते ही मेरे सोचते ही वो पावन हो जाए। मैं जिसे सोच लूं कितना ही गंदा विचार आवे, मैं जैसे ही देखो सोचू वो विचार पवित्र हो जाए,
कितनी भी गंदी चीज सामने आए, जब मेरी आंख देखेगी तो उसमें पवित्रता ही देखेगी, गंदा दिखेगा ही नहीं आंख को। कितनी बुरी चीज आ जाए पर उनकी आंख कभी गंदा नहीं देखेगी, बुरी नहीं देखेगी, अच्छा ही देखेगी। एक बार कहीं सुनाया था, एक वेश्या का शव जा रहा था, मुनिराज की दृष्टि उस पर पड़ गई, कुत्ते की दृष्टि उस पर पड़ी, एक कामी व्यक्ति की दृष्टि पड़ी। तीनों ने एक को देखा, कामी काम से बेकार विकृत हो गया, कुत्ता कहता है मांस है, और मुनिराज के देखना गंदे व्यक्ति पर दृष्टि पड़ी है, और मुनिराज की आंखों में दिखा काश ये आरिका बन जाती तो मनुष्य पर्याय इसकी सफल हो जाती। क्या मजा, क्या आंखें हैं इनकी, एक वेश्या में आरिका का रूप दिख रहा है, एक गण का एक पापन के रूप में आरिका का रूप दिख गया। क्या सोच इनका बना, विचार बना, आंख उठी तो आरिका दिखी, उन्हें गणिका नहीं दिखी। ये साधना हमें करना है। तुम ये मत साझो कि दुनिया पवित्र हो जाए, दुनिया तो पवित्र होने वाली नहीं, बस आंख को पवित्र कर लो तो दुनिया अपने आप पवित्र हो जाएगी। दुनिया पवित्र नहीं मिलेगी, आंख को पवित्र करना है। आंख यदि पवित्र हो गई तो चिंता मत करो दुनिया को अपवित्र बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख पवित्र है, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि तो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन यदि अपनी दृष्टि बदल जाए बहुत बड़ा काम महानुभाव। ये सारे उपक्रम इस संसार को चुनौती है। तुमने मुझे एक स्थान नहीं छोड़ा था, लो मैंने पूरा भाग्योदय धर्म के लिए बना दिया। ये चुनौती थी, ये हमारा पुरुषार्थ था। लो तुम्हारा कोई काल नहीं था, मैं सुबह से लेकर के 12 बजे तक पूजा करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा। तुमने मेरा शरीर पवित्र नहीं दिया था, लो मैंने उसमें रत्नत्र धारण कर लिया, अब करके अशुद्ध दिखाओ, अब और अशुद्ध करके दिखाओ, क्या करोगे। मैंने ऐसी शुद्धि की है, तुम कभी अब अशुद्ध रत्नत्रधारी कभी अशुद्ध होता ही, अब नहाने की जरूरत भी नहीं है। अब अशुद्ध करके दिखाए संसार, अब क्या शुद्ध करेगा इससे ज्यादा। और ये चुनौती जब हम स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा अंतर्नाद जब अंदर से घटित होता है, तब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। लोग कहते महाराज ऐसा कैसे होता होगा, क्या होता होगा, कैसा घटित होता है। मैं कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि है अचिंत, ऐसा अंतर्नाद होता है। मैं करूंगा, मैं आंख को पवित्र करूंगा, मैं अपने नमोस्तु को ताकतवर बनाऊंगा, झुकाव को देवों के सामने। उदेव को भी सुदेव होना पड़ेगा, ये मेरे चमत्कार का है, मेरे नमस्कार की ताकत है। इस संसार में भी मैं अच्छाई देखूंगा, अच्छा स्थान मिलेगा इस संसार में, सब कुछ मैं अच्छा करके रहूंगा। कोई भी चीज कितनी भी अशुद्ध हो मुझे अशुद्ध नहीं कर पाएगी। संसार को शुद्ध करूं कर पाऊंगा, वो कोयला है, कोयले को कितना साफ करूं। बस एक ताकत अपने पास है, हम अपने आप को ऐसा शुद्ध कर लें कि संसार की कोई अशुद्धि हमें अशुद्ध न कर पाए। इसमें कितने को सुधरना है, अकेले को है ताकत ऐसे। संसार सारे को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, कुछ नहीं कर पाओगे। और अपने आप को इतना शुद्ध कर लो कि कितनी भी अशुद्ध वस्तु छू जाए तुम कभी अशुद्ध होगी। बस एक ही तरीका है, हमें कोई अशुद्ध कर ही नहीं पाएगा। छू लो तुम्हें जितना छूना है, कोई अशुद्ध कर नहीं पाएगा। मुझे बुरा दिखता ही नहीं है, कितनी बुरी चीज सामने रख दो, अब गणिका से और बुरी चीज क्या होगी, आ जान दो सामने, क्या फर्क पड़ता है। मैंने आंख को इतना शुद्ध कर लिया है कि कितनी भी अपवित्र बुरी वस्तु आ जाए इसको बुरा दिखता ही नहीं है, हमारे हाथ में। और ऐसी शक्तियों का जब जागना होता है तब व्यक्ति सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। महानुभाव अभी तुमने माजी को देखा था, कंचन माजी हमारे संघ की सबसे बुजुर्ग, क्या है देखो, 106 साल की उम्र पा करके
पूरी जिंदगी धर्म और धर्मात्माओं के बीच में गुजार दी। कर्म ने इसके लिए जिंदगी नहीं दी थी, लेकिन संगति मिल गई, अच्छे परिणाम मिल गए। बस ये जी चीजें अपनी जिंदगी में, इस संसार में कभी अच्छाई की कल्पना मत करना, अपन को अच्छे होना है ये संकल्प करना। संसार में तुम्हें रहने के लिए एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं है, पर तुम्हें आवाज आना है, मां मैं दक्षिण में जाकर के राज्य की स्थापना करूंगा। मां कहती है भावना हो गया तू, दुनिया में कोई स्थान खाली है ही नहीं, सारा स्थान पहले से कैकई के बेटों से कैकई के बेटों से भरा है। हर व्यक्ति अपने राज्य के लिए मर रहा है, लड़ रहा है, तो क्या किसी को मार के राजा बनेगा? तू कहां जाएगा पहले बता, इस दुनिया में कौन सी चीज है जो राज्य के बिना है? पूरा बंटवारा है, और हर व्यक्ति अपने राज्य की रक्षा के लिए मरने को तैयार है, तो क्या तू वनवास में जाकर के दुनिया को मार के राजा बनेगा? दूसरों के छीन कर राजा बनेगा? क्या दूसरों का राज्य छीनेगा? तब फिर रामचंद्र जी कहते मां कि आपको मेरे से उम्मीद है कि मैं किसी का राज छीनूंगा? जब मैं अपने राज्य छोड़ने को तैयार हूं तो दूसरे का राज क्या छीनूंगा? अपने राज्य में छोड़ रहा हूं, दूसरे का मैं क्या छीनूंगा? तो दूसरे का राज्य नहीं छीनेगा? बोले नहीं मां, तो क्या दूसरे के दूसरे राजा को मार कर तू राजा नहीं बनेगा? बोले मार करके राजा बनना, बद्दुआओं पर राजा बनना, क्या आपके बेटे में लक्षण है? बोले लक्षण तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहते तू यही रहा है कि मैं दक्षिण में राज्य बना, राज्य की स्थापना करूंगा, दक्षिण में अलग राजा बैठे हुए। तब रामचंद्र जी कहते मां बस तू मेरी मां तो बन गई, लेकिन तू राम को नहीं पहचान पाई। मां बनना अलग चीज है और मां बेटे को पहचान ले अलग चीज है। जयशंकर प्रसाद ने कामनी में लिखा है, जनकर जननी जान ना पाई जिसको, कैकई के लिए लिखा है, जनकर जननी जान ना पाई जिसको, माता नहीं जान पाई कि मेरे बेटे का स्वभाव क्या है। मां तू मेरी मां बनने के बाद भी तू मुझे नहीं जान पाई, मैं किसी का राज नहीं छीनूंगा, मैं किसी को राजगद्दी से रहित नहीं करूंगा। रामचंद्र जी चाहे थे तो लंका के राजा बन सकते थे कि नहीं? जीत लिया था, हमने कहा नहीं, किसी राज्य को जीत करके, क्या गजब की बात की, राज्य को जीत करके राजा को, लंका के राजा को राजा बना दिया। हम चाहते तो अपने भाई को बना देते, लक्ष्मण को, स्वयं राजा बन जाते, आज के बाद लंका अयोध्या के अंडर में रहेगी। नहीं, हमें दूसरे का राज्य नहीं छीनना है, दूसरे की हत्या नहीं करना है। रावण को मारने के बाद भी उनके भाई को, उनके वंश को राज गद्दी दे दी और प्रजा से कहा चिंता मत करो, तुम गुलाम नहीं होगे, तुम आजाद हो, लंका थी है और रहेगी, और राज्य की स्थापना करूंगा, ये कह दिया माता से। उसके बाद जो घटनाएं घटी वो प्रासंगिक नहीं है। कौन सी आवाज बोली थी रामचंद्र जी? क्या रामचंद्र जी नहीं मानते थे कि दुनिया में जितना भारत है सब में कोई ना कोई राजा बैठा है, और राजा कभी अपनी इच्छा से हटने वाला है नहीं? और मैंने क्या कह दिया मां से, मारूंगा है नहीं, छीनूंगा है नहीं, और मैं राज्य की स्थापना करूंगा। बहुत बड़ा रहस्य मानुभाव, सम्यक दृष्टि भी बस यही घोषणा करता है, यही आवाज अंतरनाद होता है, मैं किसी का विनाश नहीं करूंगा, मैं किसी के प्रति नहीं, मैं खुद अपने आप को इतना शुद्ध कर लूंगा कि सारी दुनिया की अशुद्धियां हमें अशुद्ध नहीं कर पाए। सागर में भी आज एक बहुत बड़ा घोषणा होने वाली है, 10 मिनट लगेंगे। चातुर्मास का थोड़ा थोड़ा सा फल सामने आने की उम्मीद दिख रही है, आदमी करें क्या? आम का बीज पहले से बोया नहीं, पहले मैं कभी सागर आया नहीं, और आया हूं तो मैंने यहां कोई बोनी की ही नहीं। मेरी जिंदगी में सागर नाम का कोई स्थान था ही नहीं,
पूज्य गुरुदेव ने कई बार कहा चातुर्मास के लिए, कम से कम 3-4 बार कहा आचार्य जी ने, सागर चतुर्मास कई बार देते थे। तो मैं आचार्य जी कहते महाराज जी सागर छोड़ के और कहीं दे दो, आप लाहौर दे दो मैं वहां कर जाऊंगा। एक बार आचार्य जी ने कहा नहीं नहीं मेरा मन है, तो मैंने कहा महाराज जी आप पाकिस्तान दे दो ना, पर सागर मत दो, मुझे सागर नहीं जाना। मैं धारणा बना चुका था, जब मैं आचार्य जी कहता आचार्य जी देखो आपकी आज्ञा है तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा मन ही आप पाकिस्तान भेज दो लेकिन सागर मत भेजो। तो आचार्य जी अच्छा ये बात है, तो फिर बेचारे दूसरा आदेश देते थे। जब मेरे अंदर की वेदना सुनते थे तो वो कहते अच्छा ये बात है ठीक है फिर दूसरी जगह कर लो। 2011 में चतुर्मास मतलब आ रहा था, मैं सरोज में था, 12 में जब यहाँ से रामटेक से जा रहा था, फिर मैं आचार्य जी ने कहा कि सागर कैसा है, और मन की महाराज जी आपके चरणों में प्रार्थना कर सकता हूँ, फिर तो आप कहा आचार्य अच्छा ये बात है तो ठीक है कोटा चले जाओ। सागर का नहीं था, इसलिए मैंने यहां कोई बोनी की नहीं थी। अब बोनी तो पहले करो फिर बाद में 2-4 चतुर्मास बाद फिर आओ तो फसल मिलती है, 2-4 चतुर्मास पहले तो बीज बो जाओ, फिर 2-4 घूम घाम करके आओ तो फिर फला हुआ मिलता है। अब यहाँ तो बोनी पी रही नहीं, अब 2 महीने पहले ही आके बोनी की यहाँ पहली बार, कितने 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले ही पहली बार यहाँ बोनी बोई है। अब फल आने में टाइम तो लगेगा लेकिन छोटे छोटे फल आना शुरू हो गए, फल तो लगेगा। मेरा बीज कभी खाली गया नहीं जाएगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। चतुर्मास कभी खाली गया नहीं जाएगा नहीं, मैंने कहा ना मेरा विल पावर है, मैं खुद अपने आप से अंतर्नाद होता है, और मुझे कोई जरूरत नहीं कि तुम कितने गंदे आदमी हो, मुझे जरूरत है कि मैं कितना स्वच्छ आदमी हूं। मैं कभी ये नहीं देखता हूं कि हमारे चारों तरफ लोग कितने गंदे हैं, मैं तो ये देखता हूं कि मैं कितना पवित्र हूं। मैं आंख उठाते समय कभी नहीं सोचता हूं कि यहां कितने अच्छे लोग हैं, मैं तो एक ही देखता हूं कि मेरी आंख कितनी अच्छी है, मुझे आंख पर विश्वास है। और आंख यदि पवित्र है तो बने रहना तो दुनिया को गंदा क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है, लोगों के गंदे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं पवित्र होना चाहिए, गंदे तो अपने आप पवित्र हो जाते हैं। जैसे समंतवद महाराज ने, हमें नहीं चाहिए यदि देवता नहीं है तो हमारा मस्तक झुकेगा, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, इसलिए बीज पर बड़ा विश्वास है। एक छोटा सा फल लगा है कुछ दिन पहले, घटिया का मंदिर, घटिया का मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है, एक प्राइवेट ट्रस्ट था, उनके परिवारों के पूर्वजों ने जो कुछ भी जैसा बनाया था बहुत पहले बना था, एक दूसरी कमेटी भी वहां पर बीच में थी। उनके परिवार का जब मैं दर्शन करने गया तब बहुत बड़ा स्थान देखा, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो यूं चर्चा होते होते उनके परिवार ने खुद कहा महाराज जी अब हम क्या करें, पूर्वजों ने बनाया है, हम लोग बहुत सारे लोग बाहर हैं यहाँ, यदि ये सारी सागर की समाज इस संपदा को संभालना चाहे तो हम समर्पित करने को तैयार हैं। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकुदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कार्यपुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी चैनपुरा।
पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100452, IFSC ICIC 00009, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।